जिस जिसने फराज और मानूर को एक साथ देखा था सबका यही उल्टी सीधी बात है, सबका दिमाग में खुद दोस्त सर। आपने मेरे लिए अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लिया, आप इसको जो समझना समझता रहे, अब उन सबसे मैं खुद डील करूँ। जो प्रपोजल एक्सेप्ट करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। तो मैं शादी में भी शिरकत नहीं करूँगी। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मानूर झूठ बोल रही है। कृपया अगर अम्मी ने मानूर की शादी फराज से कर दी तो मैं शादी में। सबका यही दावा था कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। सकलेन और अरिबा के मना करने के बावजूद भी मानूर फराज से शादी करने का फैसला करती है, लेकिन सकलेन फिर भी अरिबा से कहता है कि फराज और मानूर के बीच में कुछ चल रहा था और मानूर ने सबसे झूठ बोला। और अरिबा भी सकलेन की बातों पर यकीन करती है और शादी में शामिल ना होने की जिद करती है। अरिबा को भी यही शक है कि बेऔलादी की वजह से सकलेन का कहीं और चक्कर चल रहा है। आखिर फराज और मानूर की मंगनी होती है और फराज खुश होता है और मानूर का शुक्रिया अदा करता है कि ऐसे मौके पर उसने उसका साथ दिया। लेकिन मानूर इसमें कश्मकश में मुब्तला है कि फराज से शादी करने का फैसला उसके लिए ठीक है या नहीं। सकलेन 25 लाख रुपए का चूना लगा देता है, लेकिन अरिबा को शक हो गया है कि सकलेन कुछ तो ऐसा कर रहा है जिसे वो छुपा रहा है। क्या मानूर का फराज के हक में फैसला करना उसके लिए बेहतर है? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब